केरल स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन इसे अभी एस सर्टिफिकेट नहीं दे पाया। एस का मतलब होता है स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 मई को द केरल स्टोरी इंडिया में, भारत में, प्रत्येक स्टेट में रिलीज हो चुकी है और बम्पर टिकट्स बट रही हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और इसमें कन्वर्जन को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं और ये एक जागरूक करने वाली स्टोरी है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि ये और देशों में भी चल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बात करें, है ना, और ये ब्रिटेन में तो आपकी स्क्रीनिंग के लिए गई हुई है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अभी इसका स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि डॉक्टर सुदीपो सेन की द केरल स्टोरी 5 मई को भारतीय सिनेमा में, घरों में रिलीज हो चुकी है। इसमें अदा शर्मा ने लीड रोल प्ले किया है। सच्ची घटना पर आधारित बनी इस फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसका विरोध देखा गया है। शायद इसी ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन इसे अभी एच सर्टिफिकेट या स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे पाया है। अब इस केरल स्टोरी में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने सभी बुक हुए टिकट्स को कैंसिल कर रिफंड प्रोसेस कर दिया है। अब मूवी डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारतीय फिल्म को BVFC के द्वारा पास क्यों नहीं किया जा रहा, तो इससे संबंधित कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर अपने वीडियो में। हम जानते हैं सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी को लेकर विवाद तो भारत में भी हो रहा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है और शत्रुघ्न सिन्हा जो स्टार प्रचारक हैं बंगाल के, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स किए हैं और उनका मानना है कि इस स्टोरी को ममता बनर्जी सोच समझकर ही बैन किया है। अब इसकी आग यूके में भी फैल गई है। वहाँ ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन यानी BVFC इस मूवी को कोई भी सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है और अभी तक दे ही नहीं पाया। इस वजह से वहाँ भारतीय समुदाय का एक तबका गुस्से में है, काफ़ी रोष व्यक्त किया है। हालांकि BVFC ने खरीदे गए सभी टिकट के पैसे रिफंड कर दिए और इस मूवी की लॉन्चिंग टाल दिया। इसका मतलब ये है कि शायद यूके के सिनेमाघरों में द केरला स्टोरी नहीं देखी जा सकती। ये फिल्म यूके के 31 सिनेमाघरों में हिंदी और तमिल भाषा में 12 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन सभी सिनेमाघरों की वेबसाइट्स पर इसकी टिकट बेचे जाने पर रोक लगा दी गई है और शोज को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि सलोनी नाम की महिला ने बुधवार को सिनेमा वर्ल्ड के मूवी देखने के लिए 3 टिकट बुक किए थे, परचेज किए थे, खरीदे थे, लेकिन शुक्रवार 12 मई को उन्हें एक मेल आया जिसमें लिखा था, एस सर्टिफिकेट की कमी के कारण हमें खेद है कि BVFC द्वारा द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर कैंसिल कर दी गई है। हम इसका पूरा रिफंड भेज रहे हैं, इस सुविधा के लिए माफ़ी चाहते हैं। उस महिला ने TOI को बताया, जो एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, को बताया कि कई सारे लोगों ने इस वीकेंड मूवी को देखने का प्लान बनाया था और 95% स्क्रीन भी फुल थी, मगर शो कैंसिल हो गए हैं। तो सिनेमा वर्ल्ड का ट्वीट हम देखते हैं, हाय, वी आर सॉरी दैट अपकमिंग परफॉर्मेंस ऑफ द केरला स्टोरी हैव बीन कैंसल्ड। दिस इज ड्यू टू द फिल्म नॉट रिसीविंग एन एज रेटिंग इन टाइम फॉर द शेड्यूल्ड रिलीज डेट।
अब BVFC के पास कोई भी तर्क नहीं है, कोई वाजिब कारण नहीं है जिसकी वजह से उसने स्क्रीनिंग को रोक रखा है। BVFC ने कहा द केरला स्टोरी का अभी भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही इसे हमें कोई एच रेटिंग का सर्टिफिकेट और एस रेटिंग का सर्टिफिकेट और कंटेंट एडवाइज मिल जाता है, वैसे ही ये UK के सिनेमा घरों में दिखाई जाने लगेगी। वहीं मूवीज़ के जो UK डिस्ट्रीब्यूटर सुरेश बरसानी हैं, जो कि 24/7 FLIX4U के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि ये बहुत चिंता की बात है, शर्मिंदगी की बात है, काफ़ी रोष की बात है। उन्होंने इस फिल्म को BVFC को बुधवार को दी थी और इसके 3 वर्जन दिए थे, हिंदी, तमिल, मलयालम। एक उन्होंने बुधवार को और बाकी 2 गुरुवार को देख ली थी। ऐसे में इस फिल्म को एज क्लासिफिकेशन उसी दिन दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।